नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी संघ ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को सौंपा ज्ञापन। लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे का आमरण अनशन लगातार दूसरे दिन भी जारी। आपदा से बचाव का प्रशिक्षण लेने 200 से अधिक लोगों की टीम पटना हुई रवाना। मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे ने सुल्तानगंज स्टेशन का किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे ने सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण मुख्य रूप से विश्व प्रसिद्ध मेला और 6 अगस्त को होने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश में करीब 500 स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ कार्य को लेकर कार्यक्रम को किया गया, जिसमें सुल्तानगंज स्टेशन का भी चयन किया गया है। इसी के मद्देनजर DRM में पूरे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। DRM विकास चौबे ने बताया कि अभी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला चल रहा है और सुल्तानगंज में अमृत भारत स्टेशन का काम फिलहाल धीमी गति से चल रहा है। मेला समाप्ति होने के बाद काम में तेजी आ जाएगी। पूरे मालदा डिवीजन में 14 जगह स्टेशन पर काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल सुल्तानगंज स्टेशन में कांवरियों को कोई परेशानी न हो, इसके मद्देनजर काम धीमी गति से किया जा रहा है। साथ ही बताया कि आगामी 6 अगस्त को स्टेशन पर PM मोदी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद संबंधित पदाधिकारी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए कि पूरी तैयारी समय पूर्व कर लें। इसके अलावा जितनी देर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी, स्टेशन परिसर में रेल सूचना के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी बाहरी ध्वनि नहीं हो, इसका विशेष रूप से ख्याल रखने को कहा गया है। सुल्तानगंज से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। तीसरा कारण यह है कि 6 अगस्त को लगभग 500 से ज्यादा स्टेशनों पे देश भर में शुभारंभ कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा। और इसमें जहाँ तक हम लोगों को सूचना है, माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे लगभग 11 बजे, और उसके पहले हमने यहाँ के सब जितने सम्मानित लोग हैं उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रण भेज रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट MLA सब लोगों से बात करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। और NGOs और बाकी जितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के स्कूल के बच्चे, इन सब लोगों के जितने भी फील्ड हैं, सबके जो सम्मानित लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमने स्कूल तय किए हैं जिनमें कि प्रतियोगिता हो रही है, पेंटिंग प्रतियोगिता और ऐसे राइटिंग प्रतियोगिता, निबंध लिखने की प्रतियोगिता और एलोक्यूशन यानी कि भाषण देने की प्रतियोगिता। तो उनके बच्चों को भी यहाँ पर ला करके उस दिन जो लोकल फंक्शन होगा 9 बजे से, उसमें उनको ये अवार्ड्स दिए जाएंगे। इसके अलावा तो रंगारंग कार्यक्रम थोड़ा बहुत होगा और उसके बाद 11 बजे के लगभग जो है वो हमारी जो सूचना है उसके हिसाब से सेंट्रल प्रोग्राम जो है वो चालू हो जाएगा और वो जितनी देर भी चलेगा। रेलवे का जो जमीन है, आपदा से बचाव का प्रशिक्षण लेने 200 से अधिक लोगों की टीम पटना हुई रवाना। भागलपुर DRDA बिल्डिंग परिसर से जिला आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये कार्यक्रम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में हुई, जहां दूर दर्जा से कई प्रशिक्षणार्थी इसमें भाग लेने पहुंचे। खासतौर पर युवा वर्ग लोग ज्यादा दिखे। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर आपदा प्रभारी शैलेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि जिले भर के विभिन्न इलाकों से लगभग 200 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को आपदा से जुड़े प्रशिक्षण के लिए राजधानी पटना के लिए रवाना किया गया है, जिसके तहत तमाम लोगों को राज्य में होने वाले आपदा से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लगभग 10 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद किसी भी आपदा की घड़ी में बचाव कार्य के लिए उन्हें जिले के विभिन्न प्रखंडों में भेजा जाएगा, जहां सुनिश्चित जगह पर अपने राहत कार्य की मदद से
वे लोग आम जनों की सहायता कर सकेंगे। आपदा प्रभारी ने कहा कि प्राकृतिक और मानव आपदा से जुड़े तमाम जानकारियां भी लोगों को बताएंगे। उन्होंने कहा कि कितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस पहल से जुड़ेंगे, लोगों के लिए ये उतना फायदेमंद होने जा रहा है। मौके पर जिला प्रशासन के कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आपदा बचाव से जागरूकता फैलाने के लिए एक बार ये दूसरी बार भागलपुर से किया जा रहा है। 200 जो है आपदा मित्रों और हम लोग उसी हिसाब से विभिन्न अंचलों से प्रशिक्षार्थी को भेजते हैं, जो 12 दिनों का वहाँ आवासीय ट्रेनिंग पटना में जाता है। हर एक तरह का आपदा, केवल बाढ़ नहीं, सुखाड़ है, भूकंप है, इनका आवासीय प्रशिक्षण होता है और ये वहाँ से ट्रेंड आते हैं। और समय पर इनके आपदा वॉलेंटियर और इनकी जरूरत भी आपदा में बहुत क्रांतिकारी होंगे, अपने क्षेत्र में जन जागरूकता भी फैलाएंगे और आपदा के समय ये लोगों को हेल्प। ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद ये किस तरह से काम करेंगे? ये अभी तो वॉलेंटियर नेचर का ही वर्क है। अभी इनका मेन मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रेनिंग देना और वो आपदा के प्रति संवेदनशील हों, लोगों को जागरूक। आज मैं आपदा प्रभारी सदन कुमार। असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे का आमरण अनशन लगातार दूसरे दिन जारी। भागलपुर के विश्वविद्यालय ओपी थाना क्षेत्र के पर्वती में मुहर्रम जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा माहौल बिगाड़ने को लेकर बुढ़िया काली मंदिर पर पत्थर फेंके जाने और मंदिर के ग्रिल को क्षतिग्रस्त करने के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह भागलपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे 1 अगस्त से ही समाहरणालय गेट के पास उपवास सह अनशन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर कानून सम्मत सजा दिलाई जाए, जिसको लेकर 24 घंटे से भी अधिक समय से वो अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि जब तक असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक अनशन नहीं टूटेगा। वहीं इनका कहना है कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ सौहार्द का माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। गिरफ्तारी से कम हमें कुछ मांग नहीं है और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यह उपवास हम समाप्त करने वाले हैं। इसलिए हमारा शासन के लोगों से विनम्र आग्रह कि गिरफ्तारी अति शीघ्र करवाएँ और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से आग्रह है कि वह जो खेल राजनीति का जो खेल वह खेल रहे हैं या खेल को खेलना बंद करें, तो बिहार को जो खेल के माध्यम से साम्प्रदायिकता के आग को रोकना चाह रहे हैं वह इससे बिहार का नुकसान होने वाला है। इस नाते आज पूरे बिहार में वह चाहे मगधिया की घटना हो चाहे अन्य कई जगह पर जो घटना होती है तो उस पर तत्परता से कार्रवाई करके और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसको गिरफ्तार करके उसको देख रेख करना है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि भाजपा वाले लोग करवाते हैं, भाजपा वाले लोग देखिए ये तो हम किसी को बोलने पर हम कोई पंजीकरण नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ यह बताइए कि आज तक जितने अधिकांश दंगे चाहे वह बिहार में ही हुए हैं जिसके शासनकाल में दंगे हुए हैं ये कांग्रेस के विधायक बताएं। भाजपा जब तक जब भाजपा गठबंधन की सरकार रही है किसी भी प्रकार का कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है बिहार के अंदर। यदि अगर हुआ है तो उसको तत्परता से उस पर कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार करके उसके जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। और अगर हिंदू धार्मिक त्यौहारों पर या हिंदू समाज की तरफ से भी अगर कोई इस प्रकार की उपद्रव की घटना हुई है तो सबसे पहले उस समाज के भी लोगों को गिरफ्तार करके भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ने NDA गठबंधन की सरकार ने किया है। लेकिन आज जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है उस गठबंधन की सरकार ने क्या करने का काम कर रही है? आज कहाँ उनका कानून का इकबाल है? आज लोग घूम रहे हैं और प्रशासन दर्शन कर रही है तो ये लोग साम्प्रदायिकता की आड़ में जो राजनीति की रोटी सेक रहे हैं वो राजनीतिक रोटी सेकना बंद करें। और जब तक ये चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे पॉलिटिकल लोग हों
इसको धर्म की चश्मे से जब तक देखेंगे तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। इसका समाधान तभी होगा इसको यह एक आपराधिक घटना है और इसको आपराधिक घटना की बेसिस से देखें और जो अपराधी का जो सजा है वह उसी के अनुरूप उसके साथ कार्रवाई हो तभी इसका समाधान अस्थायी समाधान। लोक स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयला घाट अभियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता के घर जोगसर पुलिस ने बुधवार को छापेमारी की। इस दौरान अभियंता विजय कुमार के आवास परिसर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया है। पुलिस ने 3 कार्टून इंपीरियल ब्लू, 2 कार्टून ब्लेंडर प्राइड, 4 कार्टून बियर, 1 कार्टून 100 पाइपर्स विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पीएचईडी विभाग के अभियंता के आवास पर विदेशी शराब की खेप लाई जाती है, जिसके बाद एसआई शक्ति पासवान के नेतृत्व में सीआईडी की विशेष टीम के द्वारा अभियंता के आवासीय परिसर में छापेमारी की गई, जहां गार्ड रूम से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया गया है। पुलिस ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अभियंता विजय कुमार के गार्ड अमरेंद्र पासवान और उसके सहयोगी छोटू उर्फ संतोष यादव को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं मामले को लेकर अधीक्षण अभियंता का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनके आवास परिसर के भीतर इतनी मात्रा में शराब की खेप रखी गई है। हालांकि उन्होंने ये बताया कि गार्ड अमरेंद्र कुमार पासवान शराब के नशे में रहता था, जिसको लेकर उन्होंने कई बार फटकार भी लगाई थी, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी जानकारी नहीं थी कि शराब तस्करी का धंधा कर रहा है। फिलहाल सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और उनसे पूछताछ करके उसके अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर अधीक्षण अभियंता विजय कुमार ने बताया कि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। गार्ड रूम में शराब बरामद हुआ है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। ले गया है पकड़ के पुलिस। अब जो भी बताएगा सो गार्ड ही बताएगा कि कहां से आया, और गार्ड ही पहले जाके थाना वाला को बताया भी है और उसी के आधार पर छापामारी हुआ है तो शराब बरामद हुआ है। सर आप यहीं रहते थे ना? हाँ रहते हैं। सर आपको जानकारी नहीं थी? नहीं बिल्कुल जानकारी नहीं थी। गार्ड का क्या नाम है? गार्ड का नाम अमरिंदर कुमार पासवान है। कितने दिन से है? वो यहाँ बहुत दिन से है, 8-9 साल से था। किस जगह पर चला गया सर? वो गाड़ी वाले हैं? वो पीछे पीछे है, सरहन क्वार्टर बना हुआ है। हाँ विजय कुमार अधीक्षण अभियंता। पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग को लेकर कर्मचारी संघ ने कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को सौंपा ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर इन दिनों पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन बिहार की ओर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कर्मचारी संघ के द्वारा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा गया और उनसे मांग की गई है कि उनके द्वारा सरकार से पुरानी पेंशन नीति लागू करने को लेकर उन लोगों की मांग सरकार तक पहुंचाया जाए। वहीं पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने में कर्मचारियों की मदद करें। 1 से 9 अगस्त तक सभी सांसद विधायकों को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु घंटी बजाओ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी को लेकर आज भागलपुर के विधायक को मेमोरेंडम सौंपा गया है। इन लोगों का कहना है कि नई पेंशन योजना में कर्मी की सेवानिवृत्ति या कर्मियों की मृत्यु के उपरांत निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये बाजार आधारित है। इसके साथ 5 सूत्री मांगों को कर्मचारियों के द्वारा रखा गया है। इन लोगों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी उन पार्टियों को मतदान करेंगे जो पुरानी पेंशन लागू करेगी। श्री अजीत शर्मा जी के घर पर आए हुए हैं और हमारा एक उद्देश्य है। दरअसल हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए NMOPS द्वारा, जो पूरे भारत में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक सभी स्थानीय माननीय प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनके आवास पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको NPS समाप्त कर उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए।
दरअसल एनपीएस एक छलावा है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब वह रिटायर हो तो उसे एक सुनिश्चित पेंशन का लाभ उन्हें दिया जा सके, ताकि एक अच्छा सामाजिक जीवन वो जी पाए। जब सरकारी कर्मचारी अपने 30 साल 40 साल के करियर को देखते हैं तो पूरी मेहनत करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमारा सुनिश्चित जीवन होगा, हमें एक आदर्श जीवन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात कि एक उनको जो है यह दायित्व तो रहेगा कि हम रिटायरमेंट के बाद भी उस ऑफिस से जुड़े हुए हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। आज के डेट में एनपीएस में इतनी सारी खामियां हैं, यह एक तरीके से चिट फंड की तरह हो गया, म्यूचुअल फंड की तरह हो गया। हमारे पैसे को जो है स्टेट गवर्नमेंट PFRDA और CRA जैसी एजेंसी को भेज रही है, और उससे राज्य को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। राज्य से प्रत्येक वर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए जो हैं केंद्र प्रायोजित जो PFRDA कंपनी है उसको भेजी जा रही है, और वह PFRDA क्या कर रही है कि उन पैसों को कॉरपोरेट एजेंसियों को बांट रही है। उस बंदर बांट के कारण क्या होता है कि इम्प्लॉय जब रिटायर होता है तो उनके पास बहुत कम पैसे मिल पाते हैं, और यह एनपीएस जो है बाजार आधारित है। अगर ये मांग आप लोगों की मानी नहीं जाती है तो आगे आप लोग क्या देखिए, दरअसल ये जो घंटी बजाओ कार्यक्रम है, यह घंटी बजाओ कार्यक्रम एक चेतावनी है, सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक चेतावनी है, चाहे वो केंद्र के कर्मचारी हो या राज्य के कर्मचारी हो। कर्मचारियों का अपना एक वोट बैंक होता है, उनका एक अपने पारिवारिक सामाजिक वोट बैंक होते हैं, शिक्षक के रूप में भी उसका वोट बैंक है, स्वास्थ्यकर्मी के रूप में उसका वोट बैंक है, पुलिस है तो उसका भी अपना वोट बैंक है, हर एक जो कर्मचारी हैं उनका अपने एक परिवार का वोट बैंक है, उनके ससुराल पक्ष का वोट बैंक है, उनके साथियों का वोट बैंक है। तो ये समूह जो है वोट बैंक का लगभग 16 करोड़ का है। यह ना समझे कि केवल 1 करोड़ इम्प्लॉई है पूरे देश में और उनका केवल 1 करोड़ ही वोट बैंक है। दरअसल चुनाव में आने वाले चुनाव में जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है या राज्य का चुनाव होने वाला है, इससे अब कर्मचारियों का वोट बैंक प्रभावित करेगा। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वोट कराने से पहले अपना बैलेट का प्रयोग करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि जो हमारी पार्टियां हैं, जो भी सरकार पेंशन बहाल करेगा वही इस देश में राज करे। अपना परिचय। मेरा नाम शशिकांत है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ भागलपुर का, NMOPS हमारा जो एक संगठन है, मैं उसके तरफ से अपनी तरफ बात करना चाहूंगा। तो मैं अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7, सब पर नजर, सबकी खबर।